ओके नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वजायाणम्, नमो वज्जायाणम्, नमो लोये सव्वसापुणम्, नमो लोये सव्व साहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचन मुकारो सव्वपावप्पणासणो सव्व पावप्पणासणो मंगलानं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं भवै मंगलम्। पड़वाम हवाई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी जय सत्संग सच्चिदानंद। में सभी का स्वागत है। सूरज जी, आपको प्रश्न है? है मगर ये इनको पूछ लें दो मुकुल साहब से। ओके फाइन। हेमा बेन बोलिए। जय सच्चिदानंद निमेशानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। निमेशानंद। तमे आपणे पेला બીજી કલમનો એટલું સુંદર એંગલ અમને આપ્યો છે, એના પર બહુ જ વિચાર કરવાનું હતું. મશીન બહુ ચાલ્યું એમાં. હું તમારો પ્રશ્ન છે, આપ્તસૂત્ર 1 અને નાનું વાક્ય છે 6, 3 ને 8, 638. એક મિનિટ, જે 638 નું વાક્ય જેનો સિક્સ થર્ટી અભાવ એટ આવે. સિક્સ સોરી, થર્ટી એટ હા, હમ જેનો અભાવ આવે તેના વખાણ કરવા અને જેના પર ભાવ આવે ત્યારે તેની ચામડી ઉતારીને જોઈએ, આ બધું છૂટી જાય. જ્ઞાની પાસે દરેક રોગનો ઉપાય હોય. जी हाँ हेमाबेन, ये बात और ये सूत्र हर एक काल में ये सूत्र हमेशा रहेगा कि अपनी प्रकृति का मोक्ष करने के लिए, या तो अपनी प्रकृति को 100% प्योर बनाने के लिए, जो प्रकृति जहां पर सुख मानकर आई है और जहां पर प्रकृति को सुख ही सुख दिखाई देता है, वहां पर दादा भगवान, ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर भगवंतों को एक क्षण के लिए भी सुख न दिखाई दिया। अब हमारी प्रकृति कहेगी कि इसमें ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब उसकी प्रशंसा करो तो आपकी मान्यता टूट जाएगी और वो चीज आपको अच्छी लगेगी। इसमें आपका है, देखो, जेनो अभाव आवे तेना वखाण करो, मतलब हमारी प्रकृति में एक पिछले जन्मों का हम कर्मों का हिसाब ऐसा लेकर आए हैं कि जब जब मैं हेमा बेन को देखता हूं तो हेमा बेन के अवगुण ही दिखाई देते हैं और हेमा बेन के प्रति मुझे अभाव खड़ा हो जाता है। ये इफेक्ट के रूप में है। अब प्रकृति अपना धर्म बजा रही है, मगर जैसे ही मैंने प्रकृति को कहा वो तो हेमा बेन तो बहुत अच्छे है, इतने सारे गुणों से है और भीतर शुद्धात्मा भगवान तो हाजरा हजूर है, शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में हेमा बेन जीवित है और हेमा बेन खुद अपनी प्रकृति को प्योर करने में लग गए हैं। जैसे मैंने उनकी प्रशंसा की, अपने आप लेकर आया हुआ हिसाबों के अधीन अभाव वो टूट जाएगा। और दूसरी बात,
कि जब जब मुझे ऐसा लगा कि हेमाबेन बहुत अच्छे हैं, हेमाबेन बहुत अच्छे, हेमाबेन के ऊपर मुझे बहुत लगाव हो चुका है, मुझे बहुत अच्छे भाव आते हैं, तब भी दादा भगवान ने कहा कि वापस दृष्टि कहां रुकनी नहीं चाहिए। रिलेटिव में कहीं भी दृष्टि रुक जाए, अटक जाए, तुरंत ही उसका ज्ञान से दवाई करके रियल को देखने का बता देने का, क्योंकि रियल को देखना वही हमारा पुरुषार्थ है और रिलेटिव को देखना वो हमारा पिछला जन्मों का ज्ञान जिसमें हम फिसल जाते हैं हमेशा। पिछले जन्म का ज्ञान क्या है तो कि रिलेटिव को देखकर ही आप ओपिनियन देते रहो, रिलेटिव को देखकर ही आपके अंदर आप डिसीजन लेते रहो और रिलेटिव को देखकर ही अपना रिलेटिव मजबूत करते रहो। ये रिलेटिव से रिलेटिव की पूरी व्यवहार इस दुनिया में चल रहा है और इस सूत्र में रिलेटिव रिलेटिव भले ही हो मगर उस रिलेटिव को जब रियल रियल स्वरूप की पहचान करवा दिया तो रियल की तरफ हम उसको मोड़ दे जिसे बहुत भाव आ जाए, हमें हेमाबेन के प्रति बहुत लगाव हो जाए, बहुत अच्छा लगे, तब उसकी चमड़ी चमड़ी उतार के देख लेना कहां कहां तुझे भाव आते हैं। ये केवल स्त्री पुरुष की बात नहीं है, हमेशा राग और द्वेष वाली बात है। राग और द्वेष या तो मुझे द्वेष अटका देगा या तो मुझे अति राग अटका देगा। ज्ञान लेने के बाद राग द्वेष शब्द है ही नहीं। ज्ञान लेने के बाद निमिषन बात फर्स्ट पड़ोसी बात छे એટલે એમાં કેવી રીતે રહેવું, પુરુષાર્થ એમાં કેવી રીતે હોવું ઘટે, એટલે એમાં દ્રષ્ટિ કેવી નાખવી પડે કે એ જે વિચાર આવે કે ભાવ આવે અભાવ આવે પણ એમાં કેવી રીતે રહેવું। ये तो हमें दादा भगवान ने बताया कि जब डिप्रेशन में आ जाए तो कहने का निमेश चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा। क्योंकि डिप्रेशन आना यानी अति अभाव होने के कारण ही आता है। ये अभाव का एक इफेक्ट है, द्वेष की एक इफेक्ट है। तो जैसे ही मुझे लगा कि मैं अभी नहीं संभाल पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं निमेश, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ हूं और दादा भगवान तेरे सिर पे है, तो बोल मैं अनंत शक्ति वाला हूं, तो अपने आप उसमें से निकल जाएगा अभाव में से। अभाव 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 तो आज छेलू आ सूत्र तुम्हारे विषय ने पण लागू पड़े ने छेक सुधी नो। ये सूत्र हेमाबेन विषय से लेकर जहां जहां हमें राग खड़ा है, हम जो राग लेकर आए हैं वहां हर जगह ये लागू पड़ता है। क्योंकि राग होने पर हम चिपक जाते हैं, फिसल जाते हैं, रियल दृष्टि यूज नहीं कर पाते। इसी तरह जब द्वेष खड़ा होता है, द्वेष मतलब वैर या तो अभाव तिरस्कार, ये जब खड़ा हो जाता है तब भी हम रिलेटिव में रुक जाते हैं, रियल दृष्टि और रियल का दर्शन करना, रियल स्वरूप को देखने का हम चूक जाते हैं। ये पूरा विषय विकार से लेकर पूरे व्यवहार में हम पिछले जन्मों का ज्ञान लेकर आए हैं और उस ज्ञान में केवल रिलेटिव को देखकर ही ज्ञान हम मजबूत करके आए, क्योंकि तब में हमारे पास ना तो रिलेटिव था ना तो रियल था, क्योंकि जब चार्ज किया तब अज्ञान ही अज्ञान था और अज्ञान को ही हम रियल मानते थे परमानेंट। जब इस जन्म में हमें रियल स्वरूप की पहचान हो गया, अनुभव हो चुका है, तो रियल स्वरूप का अनुभव होने के बाद रिलेटिव ज्ञान जो डिस्चार्ज में है वो शुद्धात्मा के अलावा हर एक चीज ऊपर हमें राग खड़ा करेगा या तो द्वेष खड़ा करेगा। राग और द्वेष खड़ा करना मतलब अपने महात्माओं के लिए राग द्वेष से चार्ज किया हुआ अभी इफेक्ट मतलब डिस्चार्ज में इफेक्ट दे रहा है। चार्ज किया था राग और द्वेष के अधीन। अब इस जन्म में क्या होता है तो कि रियल
रियल स्वरूप का दर्शन न हो तो मुझे मेरा मेरा कोई काम का नहीं है। मैंने कितनी भी तारीफ कर ली, मैंने कितनी भी प्रशंसा कर ली, मगर वो रिलेटिव चेंजेबल है और वो रिलेटिव टेम्पररी और विनाशी है। मैंने चाहे कितनी भी तारीफ कर ली, अपनी अपनी खुद की प्रशंसा कर ली हो या दूसरों की प्रशंसा की हो, मगर रियल को लक्ष्य में रखकर, मैंने अपने आप को भी रियल में लक्ष्य में रखकर, दूसरों में रियल के दर्शन करने के बाद जो रियल रिलेटिव की बातें करता हूं, वहां पे चिपकना नहीं है, केवल हार्टिली ड्रामेटिक है। तो खाली मान्यता ही बदलने की है, अपनी जो मान्यता अंदर पड़ी हुई है वही बदलने की है दृष्टि से। मान्यता मतलब इतना नहीं, मान्यता में हम ज्ञान लेकर आए कि इसमें बहुत सुख है। अच्छा। इसमें बहुत सुख है। या तो मान्यता से हमने पक्का करके लाए कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। जहां अभाव होता है वो भी एक अभाव जिसके प्रति होता है उसके पास भी एक ज्ञान है। तो आपने उस व्यक्ति के प्रति अभाव किया, मतलब ज्ञान के प्रति आपका अविनय खड़ा हुआ। क्योंकि ज्ञान, इसके लिए कविराज ने कहा ना, दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधा। तो जैसे आज कोई है तो दादा भगवान ने यहां तक कहा कि भाई वो नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज खाने से ये नुकसान है, ऐसा है ऐसा है, अब तुझे खाना है तो कोई बात नहीं, मगर नॉनवेज का रिजल्ट जान ले। फिर ये बताने के बाद मुझे वो व्यक्ति अगर नॉनवेज खाते हुए मिल भी जाए तो भी मुझे उसके प्रति अभाव खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो खा तो रहा है, पिछले जन्मों के संस्कार के अधीन वो खा तो रहा है, मगर खाने के बाद तुरंत और खाने के पहले तुरंत उसने, उसके भीतर उन्होंने प्रायश्चित या तो शक्ति मांग ली हो, क्या पता, हमें पता नहीं, हम तो खाते हुए देख रहे हैं, इसके लिए हम ओपिनियन देते हैं। इतना समझाने के बाद भी वो खाना ये नॉनवेज खा रहा है, मगर क्या पता नॉनवेज खाने के पहले भी उन्होंने दादा की प्रार्थना की और नॉनवेज खाने के बाद भी कहा हो कि दादा मुझे इस कमजोरी से छुड़ा दो, क्योंकि मुझे तो किसी भी जीव को दुख देकर मुझे जीना नहीं है, तो खाने की बात तो कहां रही। फिर भी मेरा पिछले जन्मांग का संस्कार अभी भी मुझे बहुत परेशान करते, तो दादा आप ऐसी शक्ति दो और ये खाने ये चीज से मैं छूट जाए। ये करने के बाद अगर वो खा रहा है तो हम कह नहीं सकते, तो उसके प्रति हम अभाव खड़ा करते हैं, तो वो हमारी कमजोरी है। क्या कमजोरी है, तो कि मैं वेजिटेरियन हूं। भाई कौन वेजिटेरियन है, रिलेटिव या रियल? तो आप रिलेटिव की प्रशंसा, मतलब खुद के फाइल नंबर एक की प्रशंसा करना चाहते हो, उतना ही दूसरे के प्रति अभाव खड़ा हो जाएगा। क्यों? तो कि आपके पास जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा आप मान के आए हो, तो क्या दूसरों के पास जो ज्ञान है क्या वो काम का नहीं है? तो क्या हर एक काम का है इस संसार में, कोई भी ज्ञान बीजी कलम चुक्या है पण अंदर आवी गयो थाय। क्या कह रहे हो? बीजी कलम चुक्या है पण आवी गयो एवू आवी जाए। सबसे बड़ी बात है ये, किसी के व्यू पॉइंट को ठुकराना मतलब प्रमाण को ठेस पहुंचाना। किसी के भी व्यू पॉइंट को, आज मैं जैन हूं तो मेरी जैन मान्यता के अनुसार मैं जो धर्म करता हूं वो श्रेष्ठ मानता हूं, उसमें अहिंसा ज्यादा है, ये है वो है, तो कि भले ही आप करो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी प्रकृति उस प्रकार की आप लेकर आए हो। तो प्रकृति का धर्म जैन है तो जैन धर्म प्रकृति बजा रही है, मगर आप क्यों खुद जैन बन जाते हो? और जैसे ही आप खुद जैन बन गए तो वैष्णव को, शिव को, दूसरे को, दूसरे के प्रति आपको अभाव खड़ा हो जाएगा। और जैसे आपकी आप जो कर रहे हो आपके धर्म के अनुसार, उसी धर्म वाले कोई आपको इकट्ठा हो जाएंगे और आपके आपके साथ देने लग जाएंगे, तो आपको उसके प्रति बहुत
भाव खड़ा हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि चाय पीते हो, चाय का टेस्ट भी पता है, फिर भी चाय के प्रति भी ऊंच नीच मत बोलना, क्योंकि ये चाय के प्रति नहीं बोल रहे हो, चाय बनाने वाले की तरफ, चाय जिसने बनाई उसकी तरफ ये उंगलियां जा रही है। क्योंकि आज मुझे चाय भाई और चाय नहीं भी भाई, चलो मैंने कह दिया कि चाय में मजा नहीं आया, तूने ऐसा नहीं चाय में मजा नहीं आया कुछ आया, मगर चाय बनाने वाला ने तो बहुत भाव से बनाया था, तो इतना समझना चाहिए कि मुझे भाव समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो केवल टेस्ट समझ में आ रहा है। तो तुरंत मुझे पता चलना चाहिए कि ये मैं चाय का बुरा नहीं बोल रहा हूं, चाय बनाने वाले को पहुंचता है। तो इसके लिए इस सूत्र में सबसे बड़ा हेमामेन क्या है कि कहीं पर भी हम रिलेटिव में रुक ना जाए, रिलेटिव में रुक ना जाए, तुरंत ही अपने रिलेटिव के पास दादा का ज्ञान से, अपने रिलेटिव के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान में से छुड़ा कर रियल की तरफ उनको देखने का हम लक्ष्य बना दिए। बराबर छे। पछी बीजू सूत्र छे स्वरूप विज्ञान, पाना नंबर 61, वाक्य नंबर 1541, पाना नंबर 61 स्वरूप विज्ञान, અમને ભાષા સમજે છે તેને અમે શું કરીએ, દશા લેખે લાગશે નહીં અને ભાષા લેખે નહીં લાગે, તો દશા લેખે લાગશે ભાષા લેખે નહીં લાગે, આપણે અંદરથી આંખોથી જોતા હોય કે જે દ્રષ્ટિથી જોતા હોઈએ, પણ શબ્દથી આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે, કારણ કે બંને પૂતગલ જુદા છે એટલે શબ્દથી જ્ઞાન આપ્યું, પછી આપણો એક કષ્ટમાં ભાગ ખોલ્યો છે, પણ આપણે અંતર્મુખી થયા છે અને અંદર ચાલીએ છે, તો ભાષા જ કામ લાગે છે ને, તો પછી જ્ઞાન કેવી રીતે સમજમાં પૂર્ણ થાય? એસા નહીં હૈ હેમાબેન, એસા કુછ નહીં હૈ, ભી કહી પ્યોર ભાષા ઓર ઇસસે ભી કહી જ્યાદા ગુણ વાલી ભાષા શાસ્ત્ર મે હૈ, ફિર ભી કામ ક્યોં નહીં લગતી હૈ? વો લાઈવ નહીં હૈ ને, आप ही कह रहे हो, आप ही प्रश्न पूछ रहे हो, तो फिर वो लाइव नहीं है, तो लाइव क्या है? लाइव शब्द लाइव है, लाइव इसलिए तो अपने टच होता है ना, शब्द लाइव है तो शास्त्र में शब्द है ना, क्यों लाइव नहीं लगते है? दादा ने बताया ना वो कैंडल है ना, लाइव कैंडल नहीं है इसलिए अब तो दादा के हिसाब से चलते हैं भाई साहब। नहीं हेमा बहन, आपकी बात सही है, मगर दादा भगवान की इतनी करुणा इस काल में, आप और मैं केवल करुणा से ही, मैं उनकी करुणा से, और उनकी करुणा क्या थी तो कि अपनी पहचान हम सबको बता सके, क्योंकि ये लोग गलती में हमारा अविनय न कर बैठे, अनजाने में दादा भगवान की कीमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी इन लोग की दशा बड़ी नहीं है, ये अभी बालक है, तो दादा भगवान की करुणा ऐसी थी कि आपको उनकी दशा का दर्शन हो गए, आपको उनकी प्योरिटी का दर्शन हो गए, आपको उनके अयाचक किसी भी प्रकार का भिखारीपन नहीं है उस दशा का आपको दर्शन हो गए, और वो दशा का दर्शन करने के बाद दादा भगवान ने करे कहा, अरे मुआ फिर भी लगा, गाली नहीं लगी, अपमान नहीं लगा, क्यों? तो कि उस शब्द में करुणा से उस दशा का हमें पहचान करवा रहे थे कि तू मेरे शब्द के
ऊपर मत जाना, मेरी करुणा से जो मैंने करुणा रखी है ताकि तू भी हमारी दशा का दर्शन कर सके, अनजाने में तू कहीं पे ठोकर ना लग जाए। इसके लिए दादा भगवान ने कहा हमें दशा चाहिए, अगास वाला हमने भाषा समझे जी, तेने हमें सू करिए, दशा लेखे लाग से भाषा लेखे नहीं लागे। आज मैंने कितना भी किताब पढ़ लिया और मैंने खाना बनाना सीख गया किताब में पढ़ पढ़ कर, और मैं दूसरों को भी सिखाने लग गया, तो क्या लोग सीख जाएंगे? जो सीखा हुआ है किचन में काम कर रहा है और किचन में हर चीज की पहचान है, उसके साथ अगर वो खड़ा हो जाए बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो दादा भगवान की दशा क्या थी? तो कि दशा केवल ज्ञान स्वरूप थी, मगर काल के आदिन केवल दर्शन रूप थी। मगर वो बात नहीं है, मैं तो व्यवहार में बात कर रहा हूं कि दादा भगवान की दशा क्या थी। तो आज कोई उंगली खड़ी ना कर सके, कहीं पे भी किसी भी सुख के भिखारी नहीं थे, या तो इस संसार के किसी भी सुख की तरफ उनकी दृष्टि चिपकती तक नहीं थी, रुकती तक नहीं थी, केवल खुद अपने शुद्धात्मा स्वरूप में रहकर शुद्धात्मा की ही दर्शन करते थे, कहीं पे भी अपनी स्पेशलिटी खड़ी नहीं की थी। ये वैसे ही रहे, इसको दशा कहा। स्पेशलिटी खड़ा करना मतलब एटिकेट में आना। जी जी साहब, ऐसा हमने जाना है ना कि दादा भगवान ने जब चंद्रकांत दादा को ज्ञान दिया था तो अब उनके सर पर सिर्फ 5 बार हाथ रख के 5 बार बोला था मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और हो गया। What is this? जी जी जी, ये क्या बात है? ये तो क्या बात है? ये तो केवल भीतर की प्योरिटी जो दादा भगवान को दिखाई दिया, और जिसके पास प्योरिटी नहीं था, माइनस वाले थे, उनको भी उस दशा में लाकर रख दिया, तो खुद की दशा हम कैसे पहचाने? दादा भगवान की दशा तो उनकी करुणा से हम पहचान। करेक्ट, बराबर। छातीन बोलियो कोई काड़े प्रगट भगवान चो तो ये न समझे लोक कते आश्चर्य छे कड़ी। जो इतनी बातें करने के बाद, इतना खुला कहने के बाद, खुद तो नॉर्मल ही रहते थे, खुद अपने स्वरूप में ही रहते थे, मगर जहां से जिसके पास से काम निकालना था उसकी तरफ वो उंगली करते थे, खुद वो नहीं थे। जैसे अंबालाल मुरजीभाई पटेल प्योर, इतने प्योर इस काल में कि एक आश्चर्य के रूप में थे ज्ञानी पुरुष, मगर जब उसकी तरफ उंगली करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं तो मैं ही हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं आपके जैसा ही हूं, आप में जो है वही मेरा स्वरूप है, मगर जो प्योर हुए उसके पास से आप काम निकाल लो। समझी सके भी ज्ञान प्रांत लोक ये क्या बात है? क्योंकि हमें अंधेरा क्यों पसंद है? क्योंकि अगर उजाला हो गया तो हमारी गलती दिखाई देगी, और उजाले में हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उजाले में ज्यादा गलतियां दिखती है, और ज्यादा गलतियां देखने पर हम अपने आप को कैसे संभालेंगे? तब दादा भगवान ने कहा मैं ऐसा उजाला देता हूं कि तू जो जिसको देख रहा है उससे तू मुक्त रहेगा, और फिर भी तू जिसको देखेगा वो भी प्योर होते जाएगा,
ये कौन सी दशा की बात है मुझे ये तो बताओ। आजी दादा भगवाने मने मारा अनंत कारना पापों ने भस्मीभूत कर्या छे अने ते ज्ञानाग्नि थी भस्मीभूत कर्या छे अने हूँ शुद्धात्मा पद ने प्राप्त थयो छूं ये कौन सी दशा है। अरे एक हम हमारी एक गलती को मिटा नहीं सकते धो नहीं सकते और दादा भगवान ने 60,000 महात्माओं की सारे सभी इतने पापों को जला दिया ज्ञानाग्नि से ज्ञान रूपी अग्नि से ये क्या है ये भी बताना पड़ा दादा भगवान को। ये भी एक डॉक्टर 1,000 पेशेंट का ऑपरेशन करे उतना हमें एक आदमी को शुद्धात्मा प्राप्त करने में इतना श्रम लगता है। बाद भी दादा भगवान तो नॉर्मल ही थे हमें तो किसी की कहीं कहीं पे भी उनको श्रम दिखाई नहीं दिया दादा भगवान के फेस के ऊपर दादा भगवान के हास्य के ऊपर। ये सब कहने के बाद भी वो जो कह रहा है बता रहा है वो करुणा का अवतार है और वो और खुद दरअसल दादा भगवान स्वरूप है जो करुणा के अवतार के रूप में पंचम आ रहे में थे ना वो बता रहे थे हमको ये हो रहा है हमको ये है क्या करें इस काल में जवेरी है नहीं तब जाके हीरे को खुद को बोलना पड़ता है कि देखो इतना कैरेट का इतना कैरेट का। ये सब बताने के बाद भी कहीं पे भी कोई भी तरह की उनकी प्रेजेंट उनकी खुद की लकीरें में कोई चेंज नहीं सा। छेले ज्ञान आप्यू तारे तो श्वास ने भी नळियो चढ़ाई थी नाक माने बधे तो पुद्गल पर एमनु काम नहीं थी अंदर थी ज्ञान आप्यू तो ए छेली दशा हती तारे ए बधु जोयेलू छे एटले હેમાબેન અંદર થી થાય છે કે કેવી દશા હશે એમની અને આપણે એ તરફ જઈ રહ્યા છે પણ કેટલો બધો પુરુષાર્થ માંગે છે જાગૃતિ માંગે છે પુરુષાર્થ ને બધી સભી ઠીક હે બાત મગર મે તો કેવલ દાદા ભગવાન કી હમે અક્રમ વિજ્ઞાન કે સાથ જો પરાક્રમ દશા દેખને કો મિલી દાદા ભગવાન કી ખુલ્લા પરાક્રમ इस काल में जहां धर्म जैसी चीज नहीं है वहां 3 मंत्र इकट्ठा करके बताओ तो सही आप दशा की आप बात करते हो हेमा बहन आप पुरुषार्थ की बात करते हो इसकी बात करते हो मगर इस काल में ये दादा भगवान ऐसा कैसा जगत कल्याण का बीज बोकर फल स्वरूप लेकर आए थे कि इस काल में किसी को धर्म के नाम पर बिजनेस करना ये कलयुग में आम बात है और इस काल में तीनों मंत्र को इकट्ठा करके तीनों मंत्र का सही अर्थ परमार्थ बताकर लोगों को तीनों मंत्र बोलते हुए तैयार करना ये कौन सी दशा है ये कौन सा भीतर का कैसा क्रांति अहिंसक क्रांति कैसी लेकर आए थे और वो अहिंसक क्रांति में एक क्षण के लिए भी पक्ष संप्रदाय ने निष्पक्ष क्यों अंबालाल मुरजीभाई पटेल चाहे इतना जगत कल्याण कर ले मगर अंबालाल पटेल अंबालाल मुरजीभाई पटेल की एक भी प्रशंसा उन्होंने खुद ने की नहीं कभी भी नहीं इतने इतना बड़ा काम इस काल में जो ऋषभदेव भगवान ने किया था तीनों मंत्र उसके बाद कोई नहीं निकला ऋषभदेव भगवान के बाद कोई नहीं आया तीनों मंत्र इकट्ठा करके बोलने वाले या ऐसे मोक्ष देने वाले या इतनी सिंपल केवल ज्ञान की बात एकदम सिंपल क ख ग ए बी सी इतनी सिंपल और इतना कहने वाला कौन आया अभी तक किस मोक्ष खिचड़ी करता पण सेलो छे एक भी मुझे आज तक बताओ शास्त्र में आप देखोगे तो अभी ये पंचम आले पंचम काल में आप कोई भी किताब पढ़ोगे या तो कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो आपको कहेंगे ये करो वो करो ये छोड़ो ये पकड़ो
ऐसा रहो, ऐसा करो, ऐसा करते 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 सांस फूल जावे, जैसे मैं पार चल रहा हूँ सांसे फूल जाए, वैसे सांसे फूल गई मेरी, फिर भी मेरा अहंकार इतनी सांसे फुला दी मेरे अहंकार ने कि अभी मेरे आगे कोई नहीं कुछ करने वाला या कुछ छोड़ने का, फिर भी आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। सब कुछ मैंने छोड़ दिया, अब इसके आगे कुछ पकड़ने का रहता नहीं है, फिर भी मुझे आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। अरे साहब, आप सब कुछ छोड़ चुके मगर जो पकड़ के रखा वो दादा भगवान ने एक जूते का प्रसाद देकर छुड़वा दिया। बोलो वो है ऐसा, जूते का प्रसाद देकर अहंकार को पिघाल सके, है इतनी दशा? क्या कह रहे हो साहब, ये तो हम बहुत मस्ती से जी सकते कि ये दादा भगवान ने क्या बनाया, क्या उन्होंने किया है इस काल में। हम तो केवल दशा की बात करते, दशा बात करते करते पुरुषार्थ करते, रिलेटिव रियल, ये करो वो करो। अरे दादा भगवान क्या है, क्या दादा भगवान? 24 तीर्थंकर भगवंतों ने कह दिया कि पंचम आर्य में दादा भगवान क्या दर्शन करोगे। दर्शन भी उन्होंने करवाया हमको। हम तो जाते थे अंगूठे पे विधि करते थे, दादा भगवान की आंखों में देखते थे, वो सिर पे टपली मारते थे, हो गया काम, चलो हो, बहुत अच्छा लगा। केवल ऊपर ऐसा मारने पर और जूते मारने पर भी अच्छा लगता था। आज आप जूते हाथ में लेकर तो देखो, ठीक है यमा बहन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सूरज जी, बोलिए सूरज जी। जय संत सच्चिदानंद निमेशानंद जी। हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। आपका सत्संग सुनने में बड़ा आनंद आया, मगर ये महात्मा जो मनुष्य जन्म में लेता है उसको संतुष्ट कभी नहीं मिलती है, क्योंकि कर्म फल उसके ऐसे रहते हैं, कामनाएं से भरे रहते हैं, इच्छाएं उसकी रहती हैं, वासनाएं, भूख, ये सब वो पहले से परिपूर्ण कर्म फल के हिसाब से लेकर के आता है साहब। हाँ जी। तो अब क्या होता है कि यदि वो उन सब चीजों को इस तरह से मान ले कि ये मेरे लिए प्राप्त है, मेरी ये वासना प्राप्त है, मुझे मेरी भूख है, तो वो पर्याप्त समझ करके वो बैठता नहीं है, उस वासना को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो यहाँ वहां भटकता रहता है साहब जी। क्योंकि रामकृष्ण ने भी जन्म लिया इतने पहले, तो उनकी भी कामनाएं भरी थी उनमें, जो अधर्म को धर्म में लाने की जो कामना भरी थी, वो उसके पीछे घूमते रहे, जंगलों में भटकते रहे, और कृष्ण ने भी इसी तरह से अपनी पूर्ण जीवन धर्म अधर्म को अधर्म में करने के लिए पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया था। और हम लोग तो हिंदू जन्म में धर्म में पैदा हुए, कई ऋषि मुनियों का ज्ञान भी लिया, अब ये दादा का ज्ञान लेने के बाद में सिर्फ हमारी यही कामना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें दादा के ज्ञान से, ये भी एक कामना हमारे में जागृत हो गई है कि हमको किसी भी तरह से मोक्ष जाने का है। अभी तुलसीदास ने भी कई अपने दोहे में लिखा है, जो हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, समझे कि नहीं, कि हमको किसी के माने दोष नहीं देखना चाहिए, कोई लाभ के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य है ना, संतुष्ट नहीं रहता है, असंतुष्ट रहता है, तो उसके कारण वो यहाँ वहां भटकता रहता है। अभी दादा ने जो ये ज्ञान दे दिया, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार में 8 करोड़ जैन धर्मी है, जिसमें 3 करोड़ ये है और 3 करोड़ माने दिगंबर और श्वेतंबर है, 5 करोड़, तो इनमें से ये दादा का ज्ञान पाने के बाद में भी ये लोग जो मोक्ष जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं सब, मोक्ष जाने की इनकी जो विधि है वो अपने अपने हिसाब से है। कुछ लोग बुद्धि के हिसाब से, कोई ने ब्रह्मचर्य पाल लिया तो कोई ने कुछ कर लिया, कोई ने अपने कपड़े बदल लिए तो कोई ने अपने कपड़े नहीं बदले,
और उस तरह से वो मोक्ष जाने के रास्ते पर हैं। तो कभी कभी मुझे ये मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या सही है और क्या नहीं सही है, क्योंकि आचार्य हैं जैन धर्मों के भी, उनके भी शिष्य हैं कई लोगों के, तो ये दादा के ज्ञान का इतना सरल और सहज ज्ञान है, ये क्यों नहीं वो समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा मन में भी प्रश्न उठता है कि ये क्या है, माने कौन सा व्यवहार इनको सोच से अलग करता है साहब। तो थोड़ा इस पे थोड़ा बात बताइए ना साहब, ये क्या है दादा का ज्ञान? कुछ नहीं है साहब, ये तो अपनी पुण्य के अधीन है सबकी। अच्छा, पुण्य के अधीन है। हाँ, और कुछ नहीं है। और आप जो बात करते हो, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आप एक ही बात करते हो। अगर संतुष्ट हो जाएंगे ना तो मोक्ष की प्राप्ति करने का उनकी इच्छा कम हो जाएगी। संतुष्ट नहीं है तब जाके तो जलन होती है अंदर, और अति जलन से ही वो कहते कि अभी छूटना है, अभी छूटना है, अभी छूटना है। नहीं नहीं, मनुष्य योनि में जब मन जन्म लेता है तो वो तो कर्म फल के हिसाब से लेता है साहब। कामनाएं हाँ। इच्छाएं उसकी भरी रहती हैं तब वो मनुष्य योनि में आता है साहब। माने असंतुष्ट था, इसके लिए जन्म हुआ उसका बेचारे का, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। हाँ, बात सही के नहीं? नहीं सही नहीं है आपकी बात। केवल खाली इतनी ही बात है कि असंतुष्ट होने से भीतर जलन खड़ी होती है, और भीतर जलन और भीतर बहुत वेदना होती है, तब जाके वो कहते हैं कि अभी मुझे छूटना है, कहीं से छूटने का रास्ता मिल जाए जन्म मरण से। ये कितने जन्मों की हमारी खोज है, आपको शायद पता नहीं है। दादा भगवान कहते थे कि ये महात्मा तो कितने जन्मों से संसार में सुख आता ही नहीं था इनको, ये तो कब का संसार छोड़ के बैठे थे, मगर छूटने का रास्ता मिले तब छूटे ना। तब तक तो उनका मजबूत होते गया कि कब छूटे, कब छूटे, कब कोई मिल जाए, कब कब कहां से मुझे, हमें जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता मिल जाए। ये करते ही करते, क्योंकि इतनी जलन खड़ी होना और उसके बाद संसार में रहना, ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जो असंतुष्ट है वो भी एक ऐसा है कि आपको संसार की ओर से मोक्ष की ओर ले जाने में एक बड़ा निमित्त रूप से काम करता है। आज असंतुष्ट जितना भी मिलेगा दुखी रहेगा, जलन ही रहेगा, उसके भीतर जलता ही रहेगा। तब उसको होगा, इतना होने पर भी मेरे पास, मैं दुखी हूं तो सही में सुख कहाँ है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये किसको इफेक्ट होते? तो कि जो डेवलपमेंट हुए, जिसका डेवलपमेंट है अंदर, उसको ही क्रोध, मान, माया, लोभ है। जिस जो अंदर से डेवलप नहीं है उसको क्रोध, मान, माया, लोभ है नहीं। और क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है तो अंदर से जलन भी नहीं है। जितनी क्रोध, मान, माया, लोभ डेवलप, उतनी जलन ज्यादा, और जितनी जलन ज्यादा तो उनको एक बार तीव्र भाव खड़े हो जाएंगे, अब तो मुझे छूटना है। जो चीज हम संसार में गलत कहते हैं वो सही है, गलत ही है, मगर एक दूसरी दृष्टिकोण से, मतलब एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखोगे तो समझ में आएगा कि जो संसार में गलत है वो भी उसको जलन देता है और अंदर से कहीं ना कहीं आगे लेके जाता है, आगे बढ़ाता है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ पाने का बाकी है, अभी भी मैं पूरी तरह से सुखी नहीं हूं। ये समझना ये किसके लिए है? तो कि संसार में सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट है। जब आपको लगा कि मैं संतुष्ट हूं तो कि महात्मा क्या है? तो कि महात्मा संतुष्ट है। कैसे महात्मा संतुष्ट है? तो कि जो प्रकृति लाया है उसी प्रकृति को काम कर रहा है, वो प्रकृति अपने आप काम कर रही है, और महात्मा सभी प्रकृति से
मुक्त होकर दादा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके बैठे, भले ही प्रकृति यहां जाए, भले ही प्रकृति वहां जाए, भले ही प्रकृति ऐसा करे। अगर अब ये बात आप मुझे पूछोगे तो मैं अपनी खुद की बात करूंगा, मैं आप दूसरों की पूछोगे तो बात अलग पड़ जाएगी, और मैं अपनी खुद की बात पूछोगे तो मैं कहूंगा ये प्रकृति अभी इतना जलन क्यों है, तो कि प्रकृति ने जो अंदर सुख माना है, जब तक वो चीज न मिले तब तक प्रकृति को जो कुछ मिला है उसकी वैल्यू करने नहीं देगा। मतलब निमेश फाइल नंबर एक, फाइल नंबर एक ने सुख कहां माना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, मैं सुबह उठता हूं, दूसरे आप्त पुत्र भी उठते हैं, सभी महात्माओं भी उठते हैं, मगर जैसे मैं उठता हूं और मुझे चाय मिल जाए तो मैं कहूंगा अरे बहुत मजा आ गया, बस चाय मिल गई ना, काम हो गया, बस अभी कोई बात नहीं, अपने आप प्रकृति अपना काम करने लग जाएगी। मगर जैसी प्रकृति को चाय नहीं मिली, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, तब तक कोई आकर कहेंगे ना कि लो भाई ये काजू वाला केसर वाला दूध है, नहीं चाहिए। अरे भाई बहुत बढ़िया ठंडाई बनाई है, बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए। क्यों? उसने जो सुख जिस चीज में माना है वो चीज अगर उसको नहीं मिले तब तक वो दूसरों की वैल्यू नहीं करेगा। इसको भी जानने वाले को महात्मा पद दिया है। प्रकृति को पूरी तरह पहचानते हैं और प्रकृति का पूरी तरह निष्पक्ष होकर प्रकृति को देख रहे हैं और अपने स्वरूप में है, तो कि प्रकृति कहां कहां दौड़ रही है, प्रकृति कहां कहां मेहनत कर रही है, प्रकृति किस बारे में ज्यादा बातचीत करती है, उसमें से पता चलता है कि पिछले जन्म की चिकनाहट वाला माल कौन सा है। जैसे आप कोई मुझे पॉलिटिक्स की बात करोगे तो मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया और मैं आपके साथ पॉलिटिक्स की बातें करते करते 2 घंटा निकाल दिया, तब मुझे पता चला कि ये तो 2 घंटा निकल गई बातों करने में, तब मैंने पहचान लिया कि ये पॉलिटिक्स में सुख है ऐसा ज्ञान, और ये पॉलिटिक्स की बात करनी मतलब खुद को कुछ अलग समझना कि मैं कुछ जानता हूं, ये माल जब था तब 2 घंटे बात की तब तक उसको थकान नहीं लगी। और जैसे आपने कहा चलो भाई थोड़ी क्रिकेट की बात करते, अरे यार क्रिकेट कहां लाए, क्रिकेट में कुछ काम का नहीं, क्रिकेट ऐसे, तो महात्माओं की जो बात है, आपने अगर महात्माओं की बात की, और महात्माओं में भी मैं अपनी खुद की बात करता हूं, मैं दूसरों की नहीं, मैं खुद की बात करता हूं। आज प्रकृति को, निमेश को क्रिकेट का इंटरेस्ट है तो क्रिकेट उसको 4 घंटे दिखाओगे ना टीवी पे, आराम से बैठेगा, कमर तक नहीं दुखेगी, भूख तक नहीं लगेगी, आराम से नींद तक नहीं आएगी। अब देखना प्रकृति को कैसा है। आज प्रकृति ने मान लिया कि इसमें सुख है, तो आप सोचो खरे साहब, दादा भगवान को इस संसार में कहीं पे भी सुख नहीं आ रहा था, एक बूंद जैसा भी जितना भी सुख नहीं आ रहा था, फिर भी दादा भगवान 100% केवल ज्ञान दशा में थे। हाँ 356 डिग्री कहते थे वो, एक इतना सा भी सुख नहीं आ रहा था। किसको साथ? दादा भगवान को। दादा भगवान मतलब कौन? वो तो दादा भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, वो दादा भगवान थे, है और रहने वाले हैं। वो अपना ज्ञाता दृष्टा परमानंद। मैं किसकी बात करता हूं, तो कि दादा भगवान के स्वरूप से पहचाने गए ज्ञानी पुरुष अंबालाल मुरजी भाई पटेल। उनको एक सुख नहीं आ रहा था, फिर भी अपने धर्म पत्नी हीराबा के साथ बहुत अच्छा भाटीली व्यवहार निभाया, बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ निभाया, बिजनेस में कह दिया कि भाई मुझे बहुत कम पार्टनरशिप रखना, क्योंकि तुम्हारे पास 4 बच्चे हैं, मेरे पास एक भी बच्चे, मैं क्या करूंगा आधा आधा पार्टनरशिप लेकर। और फिर भी लेने के बाद भी दादा भगवान घर पे नहीं लाया, क्योंकि कहीं से भी संसार का सुख नहीं आता था, फिर भी उसको
अति 100 गुना सुख उनके भीतर से आ रहा था, फिर भी संसार में थे, संसार की सारी ड्यूटी बजाते थे। तो वो प्रकृति जो संसार में दिखाई देने वाली, वो प्रकृति ज्ञानी पुरुष और एग्जैक्ट दादा भगवान, ये तीनों का भेद समझ में आए ना खरे साहब? क्योंकि दिखाई देने वाली प्रकृति, दादा भगवान ने कहा टॉप्स है, टॉप्स। इसको क्या कहा दीपक आनंद जी? लट्टू। हमारे गुजराती में लट्टू को बहुत कुछ और बोलते हैं, इसके लिए मैं नहीं बोला। गुजराती में साला लट्टू है। लट्टू का किसको कहते खरे साहब पता है? है नहीं, नहीं पता है खरे साहब? इसके लिए आवाज नहीं निकलती आपकी। नहीं नहीं, लटकते वाला। अरे नहीं साहब, कॉलेज में लड़के होते ना, मैंने इसके पीछे लट्टू बन जाते हैं। वही वही वही। अरे वही। अच्छा वाह वाह, ठीक है साहब। तो ये बाहर की प्रकृति को प्रकृति के स्वरूप रहने दिया, वो प्रकृति व्यवस्थित के अधीन था, और वो प्रकृति का जो भी कार्य था उस कार्य के ऊपर कहीं पर भी मालिकी खड़ा नहीं थी। नहीं, दादा ने जो ये कहा है ना आई और माई, ये बहुत बड़ी चीज दे दी है सर। मैं यही कह रहा हूँ खरे साहब, आपका प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ मैं आपका प्रश्न का क्या जवाब दे रहा हूँ कि प्रकृति किसी की बस में नहीं है। कृष्ण भगवान को भी मृत्यु आया तो पानी 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 करके चल बसे। तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान को भी जब अंतिम क्षण आए तब उन्होंने भी कहा मैं जीवन दाता नहीं हूं, मोक्ष दाता हूं। प्रकृति अपने धर्म में है, मगर हमारी देखने की जो आदत है, जो आंखों से दिखाई देता है, उसी को ही हम सत्य मान लेते हैं कि देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है। गलत नहीं है, गलत नहीं है साहब, सही है, बात गलत नहीं है। आंखों से दिखाई देता है वो भी गलत नहीं है, मगर वहां पे अंतर क्या है? अगर मैं आप है तो दादा भगवान कहते कि महात्मा, महात्माओं की दशा अलग है और आम जिनको अभी मैं खुद कौन हूं उसका अनुभव नहीं हुआ है, उसकी बात और ही है। इसके लिए लोग इतनी बातें करते हैं आत्मा प्राप्त करने के लिए, इतनी बातें करते, इतना ज्ञान, इतनी इतनी ज्यादा लेकर बैठे हैं, फिर भी शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। और हम आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ पढ़े नहीं है, फिर भी दादा भगवान ने हाथों में मोक्ष दे दिया। हाथों में लेने नहीं गए थे, फिर भी दादा भगवान ने हमको दे दिया। लेने नहीं गए थे, हमारी इच्छा तक नहीं थी, क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं था हमारे पास। और जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अभी भी बहुत सारा नॉलेज है, उनको दादा भगवान मिले तक नहीं तो इसके लिए बुद्धि बीच में आड़े आती है कि समझ नहीं सा। पहले ही मैंने प्रश्न का कहा जवाब दे दिया, पुण्य ही पुण्य हो ये काचूते ने ज्ञानी ओढ़खाय नहीं, ज्योति स्वरूप मड़े छता वाट शंको राय नहीं, ऋषभ देवे भरत ने अक्रम दीधेल जो अड़के नहीं राजपाट आरिशा महेल जो। अरे खरे साहब ये तो आप बात करते, दीपक आनंद जी खरे साहब भी सुनते होंगे। दीपक आनंद जी आप अभी अभी मैंने अभी 10 दिन पहले मंदिर पे बहुत साधु साधुओं का विहार, अभी विहार काल चल रहा है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एक बहुत विचक्षण साधु साध्वी, 8 साध्वी जी सामने से मुझे बुलाया, मेरा ये पैरवे ये देखकर, मेरा ये देखकर कि ये जरूर कोई अलग है यहाँ पे, ये कोई वैवट में कारोबार में नहीं है, बुलाया बात। फिर मैं बैठा, मैंने दादा भगवान की बात की, मेरी अपनी खुद की बात की, आप तो पुत्रों की बात की, फिर करते करते व्यवहार की बात इतनी अच्छी निकलते निकलते मैं पहुंच गया साधु भगवंत, ये साधु साध्वी जी महाराज साहब के साथ।
दीपक आनंद जी क्षायक शमकित के ऊपर एकदम शॉक लग गया साध्वी जी को। आप क्या बोलते हो पता है, क्षायक शमकित, क्षायक शमकित तो 63 साल का पुरुषों को था, जिन्होंने इतना युद्ध किया, महलों में रहे, रानियों के साथ रहे, फिर भी एक भी कर्म उसको छू नहीं पाया और मोक्ष में गए और मोक्ष लेकर बैठे थे, क्योंकि क्षायक शमकित वाले को एक भी कर्म बांध नहीं सकता और एक भी कर्मों का फल चुकाने का रहता नहीं है, क्योंकि वो तो लेकर आए अभी खत्म कर रहे। क्षायक शमकित मतलब जीते जी आपको मुक्ति का अनुभव होना, जिसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषायों में से अनंत अवतार भटकाए, अनंत अवतार तक जन्म मरण में भटकते रहो, ऐसे कषाय बांधना उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो क्षायक शमकित वाले तो संज्वलन कषाय में आ गए। संज्वलन कषाय मतलब दीपक आनंद जी, पानी में एक आप लाइन करो और नीचे लाइन करो और ऊपर होवे ही नहीं लाइन, ऐसे कषाय हो गए आपके। संज्वलन कषाय, पानी में लाइन आप खींचो तो वापस पानी पानी रहेगा, लाइन तो एक क्षण भी नहीं रहता है, ऐसे क्षायक शमकित वाले क्या कषाय संज्वलन कषाय हुआ। फिर मुझे कहते हैं निमेश भाई आपने तो बहुत अच्छी बात की, हम तो आपके ऊपर शंका नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बात में बहुत पावर है। मैं बोला मेरा नहीं है, पूरी बात दादा भगवान की है। फिर मुझे कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय में से मुक्त होने का रास्ता कौन सा है पता है शास्त्र में? अब देखो ये दादा भगवान की कृपा देखो दीपक आनंद जी, मैंने कहा हिंसक भाव, हिंसक भाव किसे कहते हैं निमेश भाई? आप देखो हिंसक भाव की तो बहुत सारी डेफिनेशन है, मगर अनंतानुबंधी कषाय में से छूटने का कौन सी पहली कदम, पहला कदम कौन सा है? तो मैंने कहा हिंसक भाव, आप हिंसक किसे कहते हो? तो मैंने कहा मैं जो नहीं हूं उसको मानता हूं कि ये मैं हूं, इसको भगवान की दृष्टि में हिंसक कहा। उस साधु साध्वी जी ने कहा क्या बात की आपने, आप जो नहीं हो उसको मानते हो। अब देखो दीपक आनंद जी अपने सत्संग में आम बात है, देखो अहंकार किसे कहते हैं, अहंकार किसे कहते हैं, कह के छोड़ दिया। नॉर्मल बात करते हो कितनी, तो कि क्या बात करते हो, मैं यही कहना चाहती थी आपको निमेश भाई सबसे बड़ी मान्यता से मुक्त होना मतलब अनंतानुबंधी कषाय से मुक्त होना, सबसे बड़ी मान्यता इस संसार में कौन सी है? तो कि ये शरीर मैं खुद हूं और ये नाम ये मैं खुद हूं, वो आपने बात बहुत आसानी से हिंसक में बता दी। मुझे कहते हैं मान्यता से मुक्त होना मतलब अनंतानुबंधी कषायों से मुक्त होना, और बाद में प्रत्याख्यान दोष, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ये तीनों अपने आप ये शुद्धात्मा क्षायक शमकित प्राप्त होने के बाद ये चीज दिखती जाती है और निकलती जाती है। आपने ये हमने मैंने उनके साथ 2 घंटे निकाले दादा भगवान की बात की, फिर किताब लेकर गए, गुजराती थे इसके लिए गुजराती दिया और 2 ऊपर हिंदी थे, सभी साथ में वीआर करते आगे पीछे होता है तो उनको भी दिया। तो बोला इस किताब में कहीं पे भी आपकी कोई शास्त्र की समझ मत मिक्स करना, सीधे सीधा ये दादा भगवान जो इस काल में हुए है उसकी बातें सीधे ही मुझे समझ में आया, ऐसी प्रार्थना करके करना। ये दीपकांत जी बात मैंने इसके लिए कहा क्योंकि खरे साहब ने पूछा कि आदमी असंतुष्ट है, ये है वो है, तुलसीदास ने ये कहा वो कहा, मैं कहता हूं शुद्धात्मा प्राप्त करने के बाद असंतुष्ट वो भी एक
ज्ञान में जागृत रहने की एक बात है, इसको इसको गलत मत समझो, क्योंकि असंतुष्ट जो हो रहा है वो खुद नहीं है, मगर उसको ज्ञान में लेना, मतलब ज्ञान में अगर आप जागृत है तो ये असंतुष्ट वाला भाग को पहचान पाओगे, तब जाके हमारी पुरुषार्थ दशा आगे बढ़े। नहीं, बात सही है आपकी, मगर मैं क्या कभी कभी ये सोचता था ऐसा कि असंतुष्ट तो अभी और संतुष्ट ये सब व्यवहार के शब्द रह गए हैं, सब ये शब्द सब व्यवहार के रह गए हैं जो खरे के व्यवहार में आ जाते हैं, क्योंकि तो दादा ने तो आई और माई का जो फ्रैक्चर कर दिया है, आई शुद्धात्मा बना दिया है और व्यवहार का माई सुरेश खरे रह गया है सब, तो उसको मैंने कुदरती रचना को सिर्फ वो देखता रहता है कि चाहे संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, और उसके लिए वो नाटक करता है संतुष्ट बनाने के लिए, कभी ब्रह्मचर्य पाले, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कभी ये करके मैं संतुष्ट बन जाऊं, या मैं ऐसे कपड़े पहन लूं या वैसे कपड़े पहन लूं, या मैं मंदिरों में बैठा रहूं या वहां चले जाऊं, या मैं कथा सत्संग करता रहूं, तो क्या मुझे ये फल स्वरूप होगा क्या? अरे खरे साहब, आप ही के प्रश्न में आप ही का जवाब है साहब, आप इतना इतनी लंबी बात कर तो खाली एक ही बात, मैं तो रह गया ना साहब, तो जब तक मैं स्वरूप में नहीं है तब तक तो भटकना है ही साहब। अच्छा, हाँ, मैं कौन? मैं निमेश, मैं ये कपड़े बदलने वाला? नहीं, मैं माने क्या कि इधर से वो तो खरे को भटकना है तो भटके, मगर जो शुद्धात्मा पद पे है वो देख रहा है वो खरे को। ये वापस एक बात आपकी एक बात वापस, आपकी 100% ड्यूटी है खरे भाई का मोक्ष करने की। अच्छा, खरे भाई भटके तो भटके, ऐसा नहीं तो दादा भगवान हमको कहना चाहिए था आप तो पुत्रों को, अगर ब्रह्मचर्य पालो तो ठीक है, नहीं पालो तो कोई बात नहीं, भटकते रहना उसमें कोई बात नहीं, वो आप नहीं हो, वो तो आपका प्रकृति का है, क्यों ऐसा नहीं कहा और वहां पे हमको रेड सिग्नल बताया? ये ज्ञान को इस तरह नहीं लेना है। अच्छा, अगर आप कहते हो कि ब्रह्मचर्य पाले तो ठीक है, भटकना है तो भटके, वो खरे भटक रहा है, तो दादा भगवान आप तो पुत्र को पहले कहना चाहिए था कि आपसे ब्रह्मचर्य होता है तो पालना, नहीं होता है तो उसको भी ना पालने वाले को देखते रहना, क्यों ऐसा एक भी शब्द नहीं निकला दादा भगवान को कि ब्रह्मचर्य आपकी शुद्धात्मा स्वरूप अनुभव करने के लिए ये ब्रह्मचर्य अति 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 आवश्यक है। अगर इसमें आप कहोगे कि वो पालता है तो पालता है, नहीं पालता है तो भटकता है, तो भटकने वाले को मैं देखता हूं, तो फिर पुरुषार्थ जो दादा भगवान ने व्यवहार में, क्योंकि मोक्ष खरे भाई का करना है, आप मोक्ष स्वरूप हो चुके हो, आप शुद्धात्मा होने के बाद आप मोक्ष स्वरूप हो, आपको मोक्ष बाकी किसका है तो कि खरे भाई का। अब खरे भाई में क्या क्या मोक्ष में, मोक्ष स्वरूप होने में कौन से अंदर की कमजोरियां हैं, उसके सामने शक्तियां मांगने का खरे भाई को सिखाना है। खरे भाई को मोक्ष स्वरूप होने में कौन सी अंदर की कमजोरियां काम करती है, उसके सामने खरे भाई के पास, दादा भगवान के पास शक्तियां मांगने का सिखाना है साहब। आज मैं निमेश को कहता हूं कि इतनी बड़ी मेहनत करके दादा भगवान ने अपनी अनंत शक्तियों में से एक शक्ति का उपयोग करके तुझे शुद्धात्मा बनाया, और तुझे ये शुद्धात्मा संभालने के लिए तुझे बाउंड्री बना कर दिया, तो जब जब ये बाउंड्री से बाहर जाएगा तो तुरंत तू निमेश के पास से कुछ ना कुछ काम लेगा या फिर छोड़ देगा। जैसे बिजनेस में आपने गलत एक रेट लिख दिया हो तो भी आप मैसेज करके फोन करके वापस उधार लेते हो, तो आज मोक्ष में जाने में जो बाधक है, मोक्ष में जाने में जो विघ्न रूप है,
फाइल नंबर एक में, वो देखने के बाद फाइल नंबर एक के पास सुपर सुपर शक्तियां मंगवाना, ये हमारी ड्यूटी है फाइल नंबर एक के प्रति। नहीं तो क्या कहेगा फाइल नंबर एक, ओ मैं अलग हूं, ये अलग है। अरे साहब ये बात सही है, जब दादा भगवान की हुक्का पीते थे ना, हुक्का बीड़ी सिगरेट पीते थे ना, तो दादा भगवान आप हुक्का पीते थे तो दादा भगवान ने कभी कहा नहीं कि ये डिस्चार्ज है, ये कुदरती रचना है, नहीं ये मेरी कमजोरी है। क्या कहा साहब? ये मेरी कमजोरी है। ऐसा नहीं कहा ये कि डिस्चार्ज है, कुदरती रचना है, प्रकृति जो कर रहा है उसको मैं देखने वाला हूं, एक भी सेंटेंस ऐसा निकला नहीं साहब। हम आप तो पुत्र थे, दादा भगवान के पास जाते थे खरे साहब, तब हमसे गलतियां बहुत होती थी अब्रह्मचर्य की दृष्टि से, क्योंकि कॉलेज लाइफ था, तब भी जब भी जाते थे तो दादा भगवान ने कहीं पे भी हमको हमको अप्रिशिएट नहीं किया, चले जाओ यहां नहीं काम का है, अभी आपका मोक्ष हो गया मगर आपका जो व्यवहार है वो काम का नहीं है, व्यवहार में तो इतनी प्योरिटी चाहिए, नहीं तो कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। एक भी सेंटेंस आप अलग हो, प्रकृति अलग है, इसको ये करो, कुछ नहीं। व्यवहार को 100% परमार्थ रूप बनाना अपने व्यवहार को, तब जाके भीतर के भगवान के दर्शन हो पाएंगे। अंबालाल मुरजी भाई पटेल इतने प्योर कि भीतर के दादा भगवान अपने आप दर्शन होते थे, सभी को हो गया था ओ साक्षात दादा भगवान। ठीक है साहब? अच्छा एक बोलिए, एक ये चक्र, ये कई ऋषि मुनि बड़े बड़े हैं, ये चक्र बोलते हैं कि कुंडलियां जागरण करते हैं, तो ये हाँ। क्या चीज है ये उन लोगों का, मैंने बोले आपके चक्र और ये कुंडली जागरण कर देंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, उद्गल तो का है सही है, उद्गल का है साहब, मैंने तीन बार कहा उद्गल, उद्गल का है, उद्गल का है हाँ, और आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र मिलेगा कि किसको मिलेगा, आप सुनिए पहले, आप फेरवल सुनिए अभी, आज्ञा चक्र वो केवल शुद्धात्मा के पक्ष वाला है, बाकी के सारी चक्र पुद्गल में, पुद्गल में शक्तियां प्रकट करने वाले हैं, और आज्ञा चक्र वो एक ही आज्ञा चक्र ऐसा है कि संपूर्ण केवल ज्ञान दशा खुली करने वाला चक्र है, उसके अलावा जो भी चक्र है वो स्टेपिंग है, स्टेपिंग। मगर जब तक ज्ञानी पुरुष इस काल में प्रत्यक्ष न मिले तब तक आज्ञा चक्र खोल नहीं सकता, अपने आप अपने परिश्रम से अपनी पुरुषार्थ से आज्ञा चक्र खोल नहीं सकता। आज्ञा चक्र के अलावा बाकी के जितने चक्र है वो खुल सकते हैं, मगर आज्ञा चक्र खोलने के लिए ज्ञानी पुरुष का प्रत्यक्ष मिलना जरूरी है, और आज्ञा चक्र खुलना मतलब आप मोक्ष स्वरूप होते जाओगे। अच्छा नहीं नहीं अभी क्या है कि कई 7 चक्र होते हैं शरीर में, नहीं साहब 9 चक्र साहब, आपको चक्र भी पता नहीं, 9 चक्र होते हैं, 9 चक्र। ऋषि मुनि बता रहे थे नहीं, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार होता है, विशुद्धि चक्र। किताब में कहते हो, कौन सी किताब में है ऋषि मुनि का पता नहीं, अभी मैंने कहीं नहीं, आप गलत हो साहब, आप गलत हो, 9 चक्र है, और 9 चक्र में 8 चक्र पौद्गलिक है, पुद्गल, यानी बहुत तरह की आपकी लब्धियां खड़ी हो जाए, बहुत तरह की अलग अलग आपके अंदर शक्तियां खड़ी हो जाए जो किसी के पास ना हो, फिर भी दादा भगवान ने कहा कि पुद्गल शक्तियां हैं, ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगी, और नौमा को भी एक आत्मिक चक्र बना करके आई को उन्हें डिफाइन किया था, तो मैं वो तो, रहा था। वो तो शास्त्रों में आई को डिफाइन तो बहुत सालों से किया है साहब,
अच्छा आई को डिफाइन आत्मा की बात तो बहुत सालों से शास्त्र है, आज्ञा चक्र की बात करते हैं हम अभी। आपने चक्र की बात की तो जो मेन चक्र है आज्ञा चक्र, जिसमें एक हमारा पद है जिसमें ऋषभ देव भगवान के शासन देवी चक्रेश्वरी माता है। आपको अच्छा क्या पता नहीं होगा शायद ऋषभ भगवान के होता है। अपने मंदिर में चक्रेश्वरी माता भी रखे हैं और पद्मावती माता भी रखे हैं। चक्रेश्वरी माता के पास और ऋषभ देव भगवान की शासन देवी है। सभी जैन धर्मों का आप बता रहे होंगे, जैन धर्मों के उससे बता रहे होंगे। अरे मैंने साहब ये तो सभी शास्त्र में है, जैन नहीं भागवत में है चक्रेश्वरी माता का। तो उन्होंने मूलाधार चक्र जो बताया है तो मूलाधार चक्र बताते हैं कि वो इट इज रिलेटेड विद द आत्मा। हाँ, जो मूल है जो हृदय के पास बताते हैं ऐसे। अरे साहब टाइम हो गया है, ये तो आप बात कौन सी करते हो। जब तक आपके भीतर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है और शरीर जीवित है तो चक्र उसके आत्मा की लिंक में है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर में चक्र की क्या वैल्यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी टाइम। जय सच्चिदानंद। ओके गोविंद जी क्विक, एक ही नमो एक मिनट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। स्वामी जी अब मैं अपना प्रश्न रख देता हूं। रियल व्यू पॉइंट से मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं उमेश भास्कर हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये दोनों व्यू पॉइंट है और मैं ये प्रश्न शंका के संदर्भ में नहीं पूछ रहा, समझ ठीक करने के संदर्भ में पूछ रहा हूं। ये दोनों व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट एक दृष्टिकोण से है, मतलब एक एंगल से है। तो कंप्लीटनेस में क्या है, मतलब कुछ कंप्लीट भी है ना इसके पीछे। ये तो दो व्यू पॉइंट है, ये तो ठीक है, मतलब इसके बारे में प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कि कंप्लीट क्या है, जहां पे 360 डिग्री पूरी कवर हो जाती है। मतलब मैं नहीं जानता मैं किस तरह, अगर आज समय नहीं है स्वामी जी मैं फिर किसी और दिन प्रश्न का जवाब ले लूंगा। कीर्तन शुरू होना है। ओके मैं जयंत त्रिवेंद्र बुलाए। नमो वित्रागाय। चलिए मुझे ये फायदा है। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रयाणम। नमो वज्रयाणम। नमो लोहे सव सापुणम। नमो लोहे सव सहाउणम। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सव पाव पणासनो। सव पाव पणासनो। मंगलानं च सव्वेसिम। मंगलानं च सव्वेसिम। पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।